हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आसानी से और मजबूती से कब्र चढ़ाने की विधि बताऊंगा। आपको तीन चीजों की जरूरत है। एक कैंची की जरूरत है और एक स्टेपलर की जरूरत है और दो तरह की कब्र। ये कब्र जो है ये खास करके मैं कॉपी पे चढ़वाता हूँ और ये कब्र जो है ये बुक पे चढ़वाता है। तो अभी ये बुक है तो बुक पे तो अभी नहीं चढ़ाना है, लेकिन आज कॉपी पे हम लोग चढ़ाएंगे और कॉपी पे चढ़ाने के आसान विधि मैं बताऊँ। सिंपल सी है, आप इसको पहले खोल लीजिए। ये खोलने के बाद ऐसे खोल लीजिए और ऐसे कॉपी को नाप लीजिए, खोल करके नाप लीजिए। अब ये इतना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको काट के अलग कर लेंगे, इसी के साथ करके हम लोग काट लेंगे कैंची को। थोड़ा बड़ा ही रहे, मतलब अब देखिए अलग कर दिया कैंची का काम। अब इतना इधर बड़ा है और इतना ही लगभग इधर बड़ा है, देखिए। तो ये कॉपी देखिए इतना इधर बढ़ा है, इतना इधर बढ़ा है। तो हम लोग इसको सीधे सीधे बीचों बीच लगा लेंगे और बीचों बीच लगा करके ऐसे पुश कर देंगे तो ये बराबर बराबर हो गया। अब क्या करेंगे कि आप कॉपी को ऐसे इस पे रख करके स्टेपलर कर देंगे। अब कॉपी को ऐसे कर देखिए मोड़ लेंगे और इधर देखिए मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद क्या इतना बढ़ा होना चाहिए कम से कम। मोड़ने के बाद आप यहाँ पे एक स्टेपलर यहाँ लगाने की, एक स्टेपलर, दो स्टेपलर लगाने के बाद आप पुनः देखो ऐसे मोड़ लेंगे हम लोग। अब मोड़ने के बाद इसको देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लेंगे। अभी एकदम बराबर बराबर हिस्सा में बट गया है। अब कोशिश यहाँ भी स्टेपलर लगा देंगे, पन्ना नहीं आने पाए ये भी ध्यान रखना है आपको, स्टेपलर लगा देंगे। अब देखिए दोनों साइड में स्टेपलर लग गया है। अब इसको एक तरीके से काटेंगे, यहाँ देखिए ऐसे दबाकर देख लेंगे कि कितना काटना है। तो थोड़ी सी भाग से हम कैंची उठाएंगे और ऐसे काट लेंगे और इधर भी वैसे ही छोटी सी भाग को ऐसे उठा के दबा के देख लेंगे। तो यहाँ देखो यहाँ पे एक ऐसे कट गया। अब क्या करना है आपको देखो यहाँ पे कट गया। इसको ये वाला जो हिस्सा है इसको उठा करके अंदर करेंगे, अंदर ऐसे मोड़ देंगे और देखो यहाँ पे अब ये मुड़ गया। मुड़ने के बाद अब आपको ये वाला हिस्सा से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ स्टेपलर लगा देना है, दो स्टेपलर यहाँ पे यहाँ लग गया, देखिए लग गया, बहुत अच्छी दृष्टि लग रही है। इधर भी अभी ये वाला जो हिस्सा है इसको हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद बराबर बराबर फोल्ड कर लेंगे हम लोग और यहाँ भी स्टेपलर लगा देंगे, ये ठीक है। इधर भी वैसे ही इधर भी अपनाएंगे। ये देखिए जो ये एक्स्ट्रा वाला हिस्सा है इसको उठा करके कॉपी ऐसे इसको मोड़ देंगे और देखिए इधर फिर मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद फिर ये वाला जो हिस्सा है इसको कॉपी की अंदर की तरफ हम मोड़ देंगे। अब मोड़ करके यहाँ पे स्टेपलर 1-2 लगा देंगे। इधर भी वैसे ही देखिए यहाँ कॉपी की अंदर की तरफ मोड़ना है और स्टेपलर लगा देना है। बहुत आसान विधि है और हर कोई बच्चा आराम से कर लेगा इसको। कोशिश करिए कि यहाँ पे तीन स्टेपलर लगाएंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। ऐसे देखिए अपना आराम से ये कॉपी आपका तैयार हो गया। अगर देखिए कभी कभी ये होता है कि ये हिस्सा बढ़ जाता है, ये वाला ये हिस्सा अगर ऊपर आ जाता है तो इसको इस तरह फोल्ड कर सकते हैं, इसको ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद अगर ऐसे मार देंगे तो वो बड़ा वाला हिस्सा नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ऐसे हम लोग स्टेप लगा। तो ये बहुत ही अच्छा और आसान विधि है, इससे कॉपी बहुत ही मजबूत बन जाती है और बहुत दिन तक टिका भी रहता है। इस तरह आप आसानी से जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।